स्वागत है। और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज हम तीन कंपनियों के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँ क्योंकि उनके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना दिया है। Q4 के रिजल्ट आने के बाद भी मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं। वो है उनमें से एक ब्रिटानिया इंडस्ट्री, यस बैंक और एक है मारुति सुजुकी। तो तीनों का मैं थोड़ा सा कंपैरिजन या फिर अभी क्या स्थिति है एक डिफरेंट तरीके से मैं बताने वाला हूँ, एक कि आम आदमी को भी समझ में आ जाए जो रिटेल इन्वेस्टर है और बहुत ज़्यादा स्टॉक के बारे में नॉलेज नहीं रखता। तो कोशिश है कि बहुत छोटा वीडियो बनाऊँ। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्रिटानिया इंडस्ट्री का। और ब्रिटानिया इंडस्ट्री आज जो वैल्यूएशन स्नैपशॉट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी फेयर पे आ चुका है। इतनी गिरावट हो चुकी है इसमें। आज भी 29 रुपये, करीब 30 रुपये के आसपास गिरावट है। और आज है 6 मई 2019, समय हो रहा है करीब 12:58। और जो भाव ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 2665 रुपये BSE पे। और अगर हम देखते हैं कि इसमें जो एक न्यूज़ थी कि जापान में जो इसके प्रमोटर्स में ये नेसवाड़िया साहब को ड्रग्स के सिलसिले में कुछ पकड़ा गया, केसेस चल रहे हैं, तो प्रमोटर्स की कोई त्वरित कार्रवाई अभी तक तो मुझे सुनवाई में नहीं आई है। या हो सकता है मैंने न्यूज़ ना पढ़ी हो कि उनको बोर्ड से कुछ दखलंदाजी करके उनको बाहर किया गया या फिर कोई एक ऐसी अधिसूचना जारी की गई हो जिससे कि ब्रिटानिया में इतनी ज़बरदस्त गिरावट का सिलसिला जो चल रहा वो ना हो। और भी कई कारण हो सकते हैं क्योंकि इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स तो मेरे विचार से फाइनेंशियल एक बार देख ही लेते हैं। हाँ देखिए, दिसंबर जो 18 में इनकी नेट सेल्स थी 2827 करोड़, वो हो गई मार्च 19 में 2764 करोड़। तो यहाँ पे करीब 2.5% के आसपास गिरावट है, नेगेटिव है। और वहीं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी 1.15% की गिरावट है और मार्जिन में भी OPM में भी 0.30% के आसपास गिरावट है, जिससे कि ये भी एक कारण है। लेकिन वहीं पे ईयर ऑन ईयर पे अगर हम देखते हैं मार्च 18 से मार्च 19 में, तो यहाँ पे कोई ऐसी नेट सेल्स में बढ़त ही है और नेट प्रॉफिट में भी और मार्जिन भी मेंटेन किया हुआ है। तो ये रही एक ब्रिटानिया के लिए जो गुड न्यूज़ थी कि उनके प्रमोटर्स नेटवाड़िया साहब के ऊपर केस चलना ड्रग का, और संभवतः वो गिरफ्तार भी किए गए हैं ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, जो भी न्यूज़ हो। लेकिन तब से लगातार इस स्टॉक पे गिरावट है। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्री से कौन नहीं परिचित है, सभी जानते हैं कि 1918 से काम कर रही है। अब सोचिए 1918 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके, आज़ादी से पहले कंपनी है। हम लोग ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, हमारे पूर्वज भी खाते थे, आगे आने वाले समय में भी आप लोगों को खिलाते रहेंगे। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई छोटी मोटी मैनेजमेंट की कोई दिक्कत आती है तो घबराने की बात नहीं है। या अभी जैसे कि चुनाव का माहौल भी है और ऐसे में फिलहाल 1 महीने 23 मई और उसके कुछ 1-2 हफ्ते तक जहां मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, उतार चढ़ाव और कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट नीचे भी गिर सकती है या ऊपर भी, मैं डरा नहीं रहा, एक लेसन दे रहा हूँ कि हमेशा जो रिटेल निवेशक है वो थोड़ा सा कैश लेके बैठा रहे। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा झोंक दे और किसी कारणवश बड़ी बड़ी कंपनियां अगर नीचे की ओर टूटती हैं तो उन पे वो ख़रीदने का उसको मौका ना मिले। अब जैसे ये फेयर वैल्यूएशन पे आ चुका है, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, तो उस हिसाब से अगर जो लोग चाहते हैं तो और गिरावट में ख़रीदते जाएं, तो ये कंपनियां क्या हैं, आपको कभी नुकसान नहीं देंगी भविष्य में। तो ये अपॉर्चुनिटी, इसको समझें आप, पूरा पैसा ना डालें। कभी मन किया तो एक शेयर ले लिया आपने, फिर और गिरावट आई तो फिर ले लिया, तो इससे क्या एवरेज भी होता जाएगा और SIP भी होती जाएगी। और कितने भी बड़ी गिरावट आ जाए तो उसमें SIP के जो निवेशक हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो के तहत इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, एवरेज हो जाती चीज़ें। अब यहाँ पे देखते हैं यस बैंक। यस बैंक में भी पता चला आपको कि जो क्वार्टर फ्यू रिजल्ट थे 1500 करोड़ के आसपास उन्होंने लॉस दिखाया था नेट प्रॉफिट में। तो उस वजह से जहाँ 233 पे ट्रेड कर रहा था सीधे 170 पे आ गया था, मतलब 60 रुपये की गिरावट एक ही दिन में हो गई थी। तो इस प्रकार से इसमें भी भारी गिरावट है। और आज भी ये फिलहाल
168 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 6.95 रुपये पैसे गिरावट है इसमें। तो येस बैंक भी मुझे लगता है फिर से अपना 147 का जो इसका लो है साल का वो भी उस पर जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहें, जहाँ जहाँ गिरावट होती रही इकट्ठा पैसा फिर यहाँ पे भी मैं डाला। लेकिन बड़ी बैंक है, दिग्गज बैंक है, जैसे कि FMCG की कंपनी मैंने ब्रिटानिया की बताई, वैसे बैंक का शेयर इसको येस बैंक को बताया, क्योंकि गिरावट में ही आप खरीद सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है मारुति सुजुकी, अब देखिए भी फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था ये, 10,000 के करीब ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका था जो साल का हाईएस्ट था इसका। और मारुति सुजुकी का आज का जो प्राइस है 6,697 रुपये है, 6697, और 13.80 रुपये की आज गिरावट है 6 मई 2019 को। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में यही स्ट्रेटजी होती है कि अगर दिग्गज कंपनियां काफ़ी नीचे मिलती हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा ख़रीदना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लंबे टाइम के निवेशकों के लिए मैं कह रहा हूँ। अब इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ कि तीनों ने 5 सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो आइए मैं वो भी एक चार्ट छोटा सा खोल लेता हूँ। मनी कंट्रोल की साइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए मैंने एक टेक एडवांस चार्ट लगा रखा है, ये ब्लू वाली जो है येस बैंक है और ब्लू डार्क वाली ब्रिटानिया, और ये रही मारुति सुजुकी। तो जुलाई 2014 से शुरुआत करते हैं और आज आकर 2019 मई में, हाँ 1 मई तक यहाँ पर जो जा रहा है हमारा बार, हाँ तो येस बैंक में 91.56% का रिटर्न मिल रहा है और ब्रिटानिया में मिल रहा है 574% का रिटर्न अभी भी 5 सालों में, और मारुति सुजुकी ने दिए हैं 250% के आसपास का रिटर्न 5 सालों में। तो मैंने 3 स्टॉक का कंपैरिजन दिखाया है, अलग अलग सेक्टर की हैं, एक येस बैंक, ब्रिटानिया FMCG, मारुति सुजुकी, ऑटो सेक्टर। अब FMCG तो पता है धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, चलती रहती हैं। अभी जैसे ITC है, ITC बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी उसने बहुत ज़्यादा अभी भागी नहीं है, ना ही उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। मारुति सुजुकी है तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया था और फिलहाल अपने साल भर में काफ़ी नीचे है साल के हाई से। ऑटो सेक्टर सभी टूटे पड़े हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे आशर मोटर हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, तो अभी ये सेक्टर पे दबाव है, इस वजह से सारे टायर कंपनियों पे भी दबाव है क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से। तो येस बैंक भी अभी काफ़ी लो पे मिल रहा है, तो इसमें ऐसे में स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए दोस्तों कि मैंने अभी आज सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उसका पी रेशियो, उसकी कैपिटल, वो सारी चीज़ें नहीं बताया, क्योंकि उनके वीडियोस में बना चुका हूँ। बस इन 3 स्टॉक्स के बारे में बताना चाह रहा था कि दिग्गज जो कंपनियाँ हैं या बैंक्स हैं ये बेहतरीन हैं लंबे समय के लिए, तो आप चाहें तो इनको एक पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें हर गिरावट पे। हो सकता है कि आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी मिले इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि अभी मार्केट की रैली अभी नहीं शुरू हुई है, ये इलेक्शन के बाद ही, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ही कि किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन आता है, उसके पश्चात ही निर्णय होगा। तो उसके बाद मुझे उम्मीद है और सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि तब मार्केट इस्टेब्लिश होगा और सेंसेक्स कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, क्या मार्केट भी करेक्ट करेगा अपने आप को, तो करेक्ट ही कर रहा है एक तरीके से। तो रिटेल निवेशक जो हैं सावधानी से इन्वेस्ट करें, बस यही मुझे कहना था। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। Thank you for watching this video.